डियर फ्रेंड्स, मैं बोधि संजीवन बोल रहा हूँ। चलिए, मेरा गार्डन का विंटर सीजन फ्लावर में अलग अलग वैरायटी का फूल खिल रहा है। उसमें से सबसे अच्छा लग रहा है जो वैरायटी, वो है ये इम्पेशंस। देखिए, एक एक पॉट में सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर। हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं, विंटर में जिन लोगों को बहुत कम समय मिलता है केयरिंग करने का, वो आदमी लोग ये इम्पेशंस कीजिए। और आज जैसा भरा हुआ पॉट पूरा फ्लावर आप देख रहे हैं, कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, क्योंकि ये जो फ्लावर खिल रहा है उसके नीचे देखिए, और पत्ता के नीचे नेक्स्ट डे का पूरी बाड सब तैयार होके रेडी है। कल सुबह वो सब खिल जाएंगे। देखिए, एक एक पॉट में अलग अलग कलर, और कैसा अच्छा लग रहा है। देखिए ये वैरायटी को, इम्पेशंस विंटर में पूरा 2 महीना तक फ्लावर देते हैं, और ये सीड से भी आप कर सकते हैं, और इसको कटिंग से भी किया जाता है। यहाँ पर जैसा बारिश होता है, बारिश के समय में पूरा सारा बरस इसको बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हम लोग 2-4 करके बचा लेते हैं। इसको अच्छा तरीका है बचाने का, ये पौधा जब फ्लावरिंग कंप्लीट होंगे तब उसी समय ये जो ब्रांचेस को काट के, कटिंग करके सिर्फ सैंड में रख देना, और कुछ दिन बाद वो सैंड से फिर कटिंग करके उसको रखना है। बार बार ऐसा कटिंग करके रखने से वो टहनियाँ बच जाता है, और नहीं तो रूट रॉट होके मर जाता है। यदि आप इसको बचा पाएंगे तो अगले बरस विंटर के पहले ही उसको कटिंग को धीरे धीरे ग्रो करना है, और नहीं तो सीड मिल जाता है बाहर से, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला जो फॉरेन सीड आते हैं, वो सब सीड आपको अच्छा नर्सरी में मिल जाएंगे। वो सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं, आप घर में सीड लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा बड़ा जो नर्सरी है, वो नर्सरी में जो आदमी विंटर सीजन फ्लावर का सीड ग्रो करते हैं उनके पास जाके आप इसका छोटा छोटा सीडलिंग पौधा मिल जाता है बहुत सस्ते में, 5 रुपया 10 रुपया का अंदर में आपको मिल जाएंगे। क्या फ्रेंड्स, आपको अच्छा लग रहा है? तो कितना वैरायटी यहाँ पर भी है, और बहुत अच्छा अच्छा वैरायटी मिल जाता है। देखिए ये वाइट वाला पूरा नहीं खिला है, क्योंकि बाद में लगाया। ये वाइट वाला वैरायटी मेरे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस बार जो सीडलिंग लगाए थे उसमें वाइट वाला नहीं था, इसलिए मैं बाद में ले आए। और जो एक साथ सीडलिंग ले आए थे उससे इतना वैरायटी मिला है। चलिए, और कलर को पहले देख लेते हैं। ये एक कलर हो गया, ये देखिए ऑरेंज का एक वैरायटी, और ये रेड वाला देखिए, बहुत सुंदर रेड वाला।
और ये पिंक वैरायटी देखिए, मेरे तो बहुत पसंद होता है। कोई कोई बोलते हैं बेबी पिंक, ये पिंक वाला, ये सब जैसा तैसा करके आप करेंगे, ऐसा ही पॉट भर के वो फ्लावर देंगे। ये भी एक ऑरेंज वैरायटी, मेनली ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए, मेनली मॉइस्चर चाहिए, लेकिन पानी इसमें पूरा अच्छा से ड्रेनेज हो जाए ऐसा सॉयल मिक्सचर आपको बनाना है। थोड़ा मॉइस्ट रहे लेकिन पानी पूरा निकल जाए ऐसा मिक्सचर आप जैसे बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी, सैंड और पत्ता का खाद और नहीं तो गोबर का खाद, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर, उसके साथ मिट्टी और उसके साथ थोड़ा सैंड मिलाएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होगा और मॉइस्चर भी रहेंगे। और फुल सनलाइट में ग्रो करना है, आपके घर में थोड़ा कम सनलाइट भी आए तब भी ये फ्लावर देते हैं। विंटर में जो फुल सनलाइट वाला वैरायटी फ्लावर देते हैं उसमें दो चार ऐसा है, उसको फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा कम लाइट आए उसमें भी ये ग्रो करेंगे। हफ्ता में एक बार जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वही हम दिए, आपको भी हर वीक में एक बार सरसों का खोइल और नहीं तो बादाम का खोइल भिगो देना और तीन चार दिन बाद उसके साथ बहुत पानी, कम से कम 10 times पानी मिला के अच्छा करके डाइल्यूट करके ये पॉट में दे देना, उससे ही ये अच्छा ग्रो कर जाते हैं। ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ऐसा फ्लावरिंग देख के आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एकदम सहजता से ये हो जाता है। कोई अच्छा क्रेडिट नहीं है, ये फ्लावर अपने आप ही खुद ही ऐसा पॉट भर के फ्लावर देते हैं। हम तो बहुत कम केमिकल खाद को यूज़ करते हैं, जब फ्लावरिंग स्टेज में आ जाते हैं तब खोल के साथ कभी कभी 10-26 जो दाना मिलता है वो दाना थोड़ा मिला के हम फ्लावरिंग स्टेज के पहले ये पॉट में जब खोल देते हैं वही पानी में एक दिन पहले वो 10-26 दाना को हम भिगो देते हैं और वही पानी फ्लावरिंग स्टेज के पहले देते हैं। और महीना में एक बार हम इसमें दिए थे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छा आपको मिल जाए वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें रिकमेंडेड डोज में दे देना। जो भी करे ये फुल सनलाइट में रहे और इसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहे, पानी इसमें ना ठहराए, तब ज़रूर ये पौधा ऐसा ही फ्लावर देंगे ही देंगे, ये कन्फर्म है। सिर्फ आप ये इम्पेशेंस को कीजिएगा। आज तो इम्पेशेंस का वीडियो है, फिर भी विंटर सीजन फ्लावर में जो बहुत अच्छा देखने लग रहा है दो चार फ्लावर को आपको दिखाएंगे। देखिए ये देख रहे हैं, ये है लोबेलिया, कितना शानदार कलर है देखिए, ये भी एकदम पॉट
पूरा भर जाता है, कोई पिंच करने का ज़रूरत नहीं, अपने आप ही ये पूरा राउंड शेप बुश तैयार हो गया। और ये फ्लावर आप देख रहे हैं टोरेनिया, ये समर में भी होता है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है। विंटर में ये आप लगा सकते हैं और बहुत दिन तक ऐसा बहुत शानदार फ्लावर खिलते रहेंगे। और एक फ्लावर को भी आज आपको दिखाएंगे, ये फ्लावर आप देखिए, ये है मेसन ब्रियांथिमम। इसको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग बिना केयर में रख दिए, फिर भी ये फ्लावरिंग किए हैं। ये फ्लावर को कम देखने को मिलता है। समय मिले तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब वैरायटी का केयरिंग आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं रूडबेकिया, देखिए कम से कम एक महीना ये फ्लावर ताज़ा रहते हैं, मुरझा नहीं जाते हैं। ये रूडबेकिया वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर देते हैं। और अभी दो तीन फ्लावर पूरा खुला है और वेट कर रहा है, कितना कलियाँ देखिए। सब फ्लावर जब एक साथ हो जाएंगे तब कैसा लगेगा। आज जैसा देख रहे हैं 15 दिन बाद भी ऐसा ही देखेंगे, वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर। चलिए इम्पेशंस के ऊपर में और दो चार बातें आपको बोलेंगे। ये देख रहे हैं अफ्रीकन डेजी। ये सब इम्पेशंस का सिंगल पेटल वैरायटी है, और इम्पेशंस मिलता है डबल पेटल वाला, और भी न्यू गिनी इम्पेशंस मिलते हैं। मेनली ये बालसम का एक वैरायटी है, और बालसम का जो मेन क्राइटेरिया है कि उसमें ज़्यादा पानी पसंद नहीं, ज़्यादा पानी मतलब पानी ना रुके, मिट्टी संग संग पूरा पानी उससे निकल जाए, यही मेन क्राइटेरिया है। यही क्राइटेरिया को आप पूरा करेंगे तो प्लांट खुशी में रहेंगे। ये आप देख रहे हैं ब्रैचिस्कोम, देखिए ब्रैचिस्कोम का फ्लावर, और भी ब्रैचिस्कोम का कलर है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए अलग कलर वाला एक ब्रैचिस्कोम। पत्ता को देखिए, जैसा पत्ता हम हर प्लांट में देखते हैं वैसा नहीं, चिकन नरम पत्ता वाला प्लांट है ब्रैचिस्कोम। जब पूरा विंटर ख़त्म हो जाएंगे, गर्मी का हवा बहने लगता है, तब एक एक करके पूरा विंटर सीजन फ्लावर मरना शुरू हो जाएंगे। उस समय भी ये पिटूनिया जल्दी जल्दी मरते नहीं, दो चार फ्लावर होते रहेंगे। देखिए ये इम्पेशंस में शीट पॉट तैयार हो गया। हम लोग सुबह उठ के ये जो फ्लावर को फेंकते नहीं, आपको संभव होगा तो ज़रूर ये सीड पॉट नहीं चाहिए तो इसको तोड़ देना। ये सीड पॉट तैयार हो गया बड़ा बड़ा, ये सीड पॉट तैयार होंगे तो फ्लावरिंग का कम होना शुरू होगा, क्योंकि प्लांट फूल खिलाया सीड के लिए वो पूरा ध्यान सीड तैयारी में दे देंगे। हर पौधा में ही यही आपको देखना है, आपको सिर्फ फ्लावर चाहिए तो सीड को तोड़ देना,
और सीड चाहिए तो इसको सीड तैयार करके आप रख भी सकते हैं। ये रखना बहुत आसानी नहीं है, आपको डेसिकेटर में और नहीं तो जो आप जानते हैं सीड प्रिजर्व करना बहुत अच्छा से, सीड को ये विंटर सीजन फ्लावर सीड को बहुत अच्छा से रख देना है और फिर विंटर के पहले आप उगा भी सकते हैं। हम लोग तो हर ईयर बाहर से जो सीड आते हैं वही ले आते हैं। मेरा गार्डन में इतना फ्लावर खिलता है लेकिन हर दिन समय नहीं मिलता आप लोगों को दिखाने के लिए, इसीलिए इम्पेशेंस का वीडियो का अंदर ही आप देख लीजिए। ये एस्टर है, बड़ा बड़ा एस्टर, और ये देखिए जो फ्रेंच मेरीगोल्ड प्लास्टिक का गमला में बहुत दिन से ऐसा ही खिला हुआ है। हॉर साइड में देखिए एक तरफ से फ्लावर आए हैं, कितना अच्छा लगते हैं देखिए। और भी है ऐसा फ्रेंच मेरीगोल्ड, थोड़ी 10-15 दिन के अंदर ये सब ख़त्म होने वाला है, इसीलिए देख लीजिए। जब प्लांट का पत्ता गिरते हैं तब उस समय जो सख्त पत्ता है वो सख्त जो लीव्स गिरना शुरू होगा आप ज़रूर उसको इकट्ठा करके खाद बना लेना। जब ये इम्पेशेंस अगले बरस करेंगे तो वो लीफ का जो खाद होता है वो आप मिट्टी में देंगे, मिट्टी तैयारी करने का समय में, तब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यही है छोटा छोटा सीक्रेट। और इससे भी और अच्छा फ्लावर चाहिए तो आपको एनपीके जो केमिकल खाद है उसका अलग अलग प्रोपोर्शन अलग अलग टाइम में देना। जैसा आदमी फ्लावर शो में जाते हैं, फ्लावर शो में जो प्लांट प्राइज लेते हैं उसके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ खाना देना पड़ते हैं। हम लोगों का उतना समय नहीं है, हम लोग सहजता से खुशी के साथ ये प्लांट लगाते हैं और जो बिना केयरिंग में अच्छा फ्लावर देते हैं वही करते हैं। और हम लोग हर ईयर ये इम्पेशेंस बहुत लगाते हैं क्योंकि ऐसा फ्लावर का एक बास्केट मिल जाता है। ये जैसा पॉट में ऐसा करके हर दिन फ्लावर दे रहे हैं ठीक वैसा ही आप चाहे तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। एकदम पूरा हैंगिंग बास्केट ऐसा ही फ्लावर से जब भर के कोई बास्केट से झूलते रहेंगे तब कैसा अच्छा लगते हैं एक बार करके देखिए। यूरोप कंट्री में हम देखें वीडियो में ऐसा बड़ा बड़ा फ्लावरिंग बास्केट में करके वो झूला देते हैं रास्ते के पास में बालकनी का साइड से, और ऐसा इम्पेशेंस पूरा फ्लावरिंग बास्केट तैयार होके बहुत दिनों तक कलर ऐड करते हैं। आज का ये इम्पेशेंस फ्लावर को देख के आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान आपका सदा मंगल करे। प्रणाम।